जानकारी है गुरुग्राम से। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो गुरुग्राम से बड़ी जानकारी, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी गुरुग्राम से है, जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पुलिस ने चार बदमाशों को धर दबोचा है। बदमाशों की गाड़ी से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि बदमाश गुजर रहे हैं, तुरंत पुलिस ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, रणनीति बनाई कि किसी ना किसी तरीके से बदमाशों को धर दबोचा जाए। लेकिन पुलिस की यह रणनीति पूरी तरह से सफल हुई, कारगर साबित हुई। पुलिस ने बदमाशों को धर दबोच लिया है और बदमाशों की गाड़ी से हथियार भी बरामद किए हैं। तो पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, यह भी जानकारी सामने आ रही है। तो पुलिस ने चार बदमाशों को दबोचा है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन इस खबर के सामने के आने के बाद इतना जरूर समझिए कि किस तरीके से जो बदमाशों के हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पुलिस बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से बदमाशों को शिकंजे में लिया जाए और जो बदमाश अपने बुलंद हौसलों को लेकर समाज में निकलते हैं, क्षेत्रों में निकलते हैं अपने अलग मंसूबों को लेकर, उनके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया जाए, उनके मंसूबों को सफल न होने दिया जाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, बदमाशों के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है और ये पूरा मामला है क्या? देखिए, गुरुग्राम की घटना है और बीती रात बख्तावत चौक के आसपास पुलिस गश्त कर रही थी, जो क्राइम यूनिट है सेक्टर 39 की, राजकुमार सब इंस्पेक्टर उसके वहां पे इंचार्ज है, उनको सूचना मिली कि एक स्विफ्ट डिजायर में राजीव चौक के पास कुछ लोग सवार हैं और वो लूट की योजना बना रहे हैं, हथियार बंद है। जिसके बाद बोलेरो पे वो सवार थे, अपने साथियों को लेकर जो राजकुमार सब इंस्पेक्टर हैं वो वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्हें जैसे ही भनक लगी वे लोग वहां से भागना शुरू कर दिया। उसके बाद वो सुभाष चौक की तरफ चले गए। तो पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई उनका पीछा कर रही थी और पीछा करते करते वो फिर सुभाष चौक से राइट हीरो होंडा की तरफ ले लिया उन्होंने। इसी बीच जब आगे गाड़ी लगाकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग भी की। एक गोली बदमाशों की एक गोली लगते लगते राजकुमार को बची और गाड़ी में जाकर गोली टकराई। उसके बाद पुलिस ने उन पर फायरिंग शुरू की। उनका टायर, जो स्विफ्ट डिजायर सवार थे बदमाश, वो गाड़ी का टायर उनका पंक्चर हुआ, टायर में गोली लगी और कई राउंड पुलिस ने भी फायर किए। जो सर्विस पिस्टल से जो लिखित शिकायत दिया है राजकुमार जो सब इंस्पेक्टर ने, उन्होंने बताया है कि करीब 4 से 5 राउंड उन्होंने अपने सर्विस पिस्टल से फायर किया, जिसके बाद उनका टायर पंक्चर हुआ और उनकी गाड़ी असंतुलित होकर डीपीजी कॉलेज, जो मार्बल मार्केट है हीरो होंडा चौक से पहले, उधर मुड़ गई। उसके बाद इन्होंने दबोचने की कोशिश की, बदमाश भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको दबोच लिया गया, जिसमें चार बदमाश गिरफ्तार हुए हैं जो राजस्थान के रहने वाले हैं और वो लूट की योजना बना रहे थे। पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। उनके कब्जे से एक स्विफ्ट डिजायर जो नकली नंबर प्लेट के साथ वो ड्राइव कर रहे थे, साथ ही सबके कब्जे से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और इन सब की कुंडली संभाल रही है कि इनका पीछे विगत कई वारदातों में इनका संलिप्तता रही है और किन किन वारदातों को इन्होंने अब तक अंजाम दिया है। साथ ही यहाँ गुरुग्राम में जो लूट की योजना बना रहे थे वो किसको अपना टारगेट करने के लिए आए थे, तो ये एक बड़ी उपलब्धि पुलिस भी मान रही है। पुलिस के आला अधिकारी इस पर रिवार्ड देने की भी बात कर रहे हैं। जी चले सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है और बड़ी बात यहां पर यह है कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बदमाशों ने पुलिस पर कई राउंड फायर भी किए थे, तो वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी कई राउंड फायर किए थे। तो पुलिस ने चार बदमाशों को धर दबोचा है और चार बदमाशों से लगातार अब पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। और बड़े खुलासे इसलिए हो सकते हैं कि ये बदमाश किस लूट को अंजाम देने वाले थे, किस लूट की वारदात को अंजाम देने वाले थे, इससे जुड़े तमाम सवाल हैं जिनका उत्तर जानना बेहद जरूरी है।